लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मेरी आँख सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी। वैसे तो मैंने ना खाना देख के और सो जाती हूँ, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो सोचा कि थोड़ी देर बाहर खड़े होकर मौसम का थोड़ा सा लुत्फ लिया जाए, क्योंकि सुबह के वक्त है ना इतनी सारी चिड़ियाएँ आ जाती हैं सामने वाले प्लॉट पे, छतों पे, सब जगह है ना चिड़िया और तोते बैठे हुए होते हैं और उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल हो जाता है। और आज तो वैसी ठंडी हवा चल रही थी और मज़ा आ रहा था, तो मैं इस वजह से थोड़ी देर है ना अपनी बालकनी में ही खड़ी हो गई थी और थोड़ी ठंडी हवा ले रही थी। और थोड़ा सकून के पल होते हैं सुबह सुबह, भी कुछ शोर शराबा नहीं होता, एकदम सकून वाले टाइम होता है। तो बस थोड़ी देर मैंने यहाँ खड़ी हो गई तो सोचा कि चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गर्म गर्म पानी पीने का जी चाहने लगा था, तो सोचा चलो थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं। तो थोड़ा पानी गर्म करा और उसको पानी को गर्म करके फिर बाहर ले जाके पियेंगे, तो यहाँ पे हमारा पानी भी गर्म हो चुका। तो मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी में कुछ रूटीन बनाऊँ, कुछ यानी कि अपने लिए कुछ करूँ जिससे कि कुछ हेल्दी लाइफ हो हमारी, कि जैसे गर्म पानी पीना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने बालों का ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें, क्योंकि इतने साल हो गए शादी को, मैं सब चीज़ें करना भूल चुकी हूँ, ना बालों का ध्यान रखती हूँ ना अपना ध्यान रखती हूँ, बस घर गृहस्थी में ही फंस के रह गई हूँ। तो अब मैं अपना ये सब चीज़ें अपना ध्यान रखा करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगी। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं लेकर आई थी अंदर, और ये दोपहर का टाइम हो गया था क्योंकि नाश्ता करवा के मैंने अपने हस्बैंड को तो भेज दिया था, तो वो सब शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी का काम था। तो मैं आज दोपहर में बना रही हूँ अपने लिए, यानी जो है नूडल्स लेकर आए थे, पता नहीं कौन सी कंपनी है, तो शायद ये इंडियन कंपनी होगी शायद से। तो यहाँ पर जो बना रही हूँ, तो इसकी क्वांटिटी जो थी ना थोड़ी कम थी जैसे नॉर्मल होती है, पर ये 10 रुपये का इसका एक पैकेट बता रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, कुछ भी फालतू नहीं डाला था कुछ भी सामान, तो मैं ये चेक करना चाह रही थी कि इसका जायका किस तरीके का है। तो यहाँ पर हमारी ये जो है नूडल्स बन चुकी थी, एक मैंने इसमें रखा था स्पून और एक इसमें रखा था मैंने फोक। तो मैं चलो अंदर बैठ के आराम से फिर खाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म गर्म भी नहीं खाई जाती, ज़्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं लगती है, नूडल्स वगैरह जो भी होती हैं तो नॉर्मल होनी चाहिए और फिर मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, कोई सी फिल्म देख रही थी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही बैठे हैं हमारे मानू, तो मैं इनको भी ना थोड़ी देर बाद शूट करती रहती हूँ। तो देखिए किस तरीके से बैठी है, मैंने नहीं बिठाया इनको, ऐसे ही बैठी हुई ऐसी थी, कभी कोई सोचे कि मैंने ऐसे बिठाई, ऐसे ही बैठी हुई थी। और जेंगो हल्का सा आ रहा था, कभी भाग रहा था इधर उधर। तो रात को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये मिठाई, तो इनके दोस्त के ना बेटा हुआ है, तो ये उसके उन्होंने ही भेजी थी। तो मेरा ना अंदर से ना दिल कर रहा था कुछ मीठी चीज़ खाने का, और मेरे हस्बैंड ये मिठाई लेकर आ गए। मैं ना बताओ अल्लाह पाक ऐसे ख्वाहिशें पूरी कर देता है। तो यहाँ पर पहले मैंने टेस्ट करा, फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी लो खा लो अपने आप, तो फिर उन्होंने बोला हाँ अभी खाऊँगा तुम खा लो, मैंने इतना सारा थोड़ी खाऊँगी मैं। फिर मैंने इनको दिया कि लो तुम, तो हमने मिठाई खा के फिर हम सो गए थे। और ये हो गया है नेक्स्ट डे की, यानी कि दोपहर हो गई है, सुबह को मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और यहाँ पर मैं देख रही थी एक व्लॉग देख रही थी, एक सलमा यासीन नाम की एक ब्लॉगर है, उनका व्लॉग देख रही थी मैं। तो यहाँ पर उनके व्लॉग देखती हूँ मैं, कभी कभी देख लेती हूँ, कभी कभी नहीं देखती, ऐसे टाइम नहीं मिलता। तो और यहाँ बैठी हुई थी मानू, और यहाँ पर ही आराम से बैठे हुए थे। तो पूरे दिन का रूटीन ये होता है कि सुबह को नाश्ता देना होता है अपने हस्बैंड को, सबसे पहले तो अपनी कैट्स को खाना देती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ यानी कि नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर मैं सफाई वफाई करके निमट जाती हूँ, कुछ काम नहीं होता, रात का खाना बनाती हूँ। दोपहर में मैं ज़्यादातर कुछ खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सीड निकाल लिए थे, क्योंकि मैं लेकर तो आई थी, फिर मैंने थोड़े से खाए, फिर मैंने बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किए हैं। पता नहीं बीच में कुछ अजीब सा मन हो रहा था, तो खाने मुझसे खाए नहीं जा रहे थे, तो बस इसी तरीके से हमारी टाइम निकलता रहता है। तो यहाँ पर हो गया था हमारा रात का टाइम। तो यहाँ पे मैं जेंगो को बुला रही थी, तो ये सोच रहा कि मैं कुछ मुझे कुछ दे रही है, तो मैंने इसे फिर इसके बाद है ना एक कप दूध दिया था, थोड़ा सा ही पिया था इसने, तो कभी कभी इन्हें मैं मिल्क दे देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना आज मेरा कुछ बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तहारी बना लेना, क्योंकि आलू और शिमला मिर्च भी बनाई थी मैंने, पर शिमला मिर्च जो थी ना 3-4 ही थी, तो वो ज़रा सी हो गई थी बनके। तो इसके साथ खाने के लिए मैंने 4-5 रोटियाँ बना ली थी अपने हस्बैंड के लिए, मैंने चलो जितनी खाएंगी खा ली जाएगी, और थोड़ी सी तहारी बना ली थी।
जैसे कि खाना खाने बैठे तो कम ना पड़े कुछ भी चीज़। और यहाँ जमने के लिए रखी थी मैंने थोड़ी सी दही, तो यहाँ पर जो है देखिए मेरे साथ साथ चल रही है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना मेरे साथ साथ आती है, ये किचन में ही खड़ी हुई थी तो मैंने इससे कहा कि चल अंदर चलते हैं, तो बस फिर आ गई थी मेरे पीछे पीछे। कभी कभी तो भारी भाग जाती है। और यहाँ देखिए जेंगो भी यहाँ खड़ा हुआ है, फिर मैंने इनसे कहा कि चलो अंदर चलो, फिर इनसे इन सबको मैं अंदर लेके चली गई थी। एसी चला हुआ था क्योंकि खाना बनाकर आई थी ना, तो इस वक्त तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस अब अपने हस्बैंड का ही मैं इंतज़ार कर रही थी, बस आने ही वाले होंगे। तो आज जो है ना सब्ज़ी वाला दिन था, तो ये मेरे को तो लेके नहीं गए, तो ये लेते हुए ही आए थे क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो प्याज घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो प्याज लेकर आए थे, और लेकर आए थे अदरक और लहसुन। तो लहसुन भी हमारे घर में ख़त्म हो गया था। और यार सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, सब चीज़ें इतनी महंगी आ रही हैं। शलजम लेकर आए थे, आलू लेकर आए थे, और टमाटर, टमाटर तो लाए नहीं क्योंकि बता रहे थे 100 रुपये किलो बता रहे थे, 50 रुपये किलो थे, 60 रुपये किलो थे, फिर अब 100 रुपये किलो हो गए। और लहसुन 80 रुपये पाव, 90 रुपये पाव मिल रहा है। तो लहसुन भी है ना थोड़ा सा ही मंगाया था। और हरी मिर्चें लेकर आए थे, हरी मिर्चें भी 30 रुपये पाव लेकर आए थे। कुछ आदमियों को महंगी सब्ज़ी भी दे देते हैं, तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी हाथों हाथ धोती थी, थोड़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो हरी मिर्च को अच्छी तरह से धो के इसको सुखा लेती हूँ, फिर इसके बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है जल्दी से अब अपने हस्बैंड के लिए ना डिनर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी तहारी भी बन के तैयार हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ी सी है ना मुलायम वाली बनाना, और फिर बाद में कहने लगे कि मैं कह रहा था कि ऑयल ज़्यादा डाल देना, तो ज़्यादा ऑयल डाल के पता नहीं क्या अच्छी लगेगी इनको, पर मैंने तो वही नॉर्मल बनाई थी। तो बस जल्दी से हम निकाल लेते हैं और फिर खाएंगे। तो बस अब मैं ना दस्तरखान तो मैंने सब चीज़ें रखी दी हैं, तो यहाँ पे रखी है आलू, शिमला मिर्च, पानी, गिलास और चटनी वगैरह भी रखी थी मैंने, जो खाना होगा इन्हें खा लेंगे। तो बस अब मैंने इनसे कहा कि सबसे पहले जो है ना रोटी खाना, क्योंकि चावल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे, क्योंकि गर्म गर्म थे ना पहले, अभी अभी मैं इनको भी सिर्फ दम खोल के लेकर आई थी। मैंने थोड़ा पंखे में थोड़े सूख जाएंगे कह रही हूँ, थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर उसके बाद खाना, क्योंकि गर्म गर्म खाने लग जाते हैं फिर मुँह जल जाता है, फिर हाँ हाँ करते हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने